फिबोनाची यूज करने के ये तीन तरीके आपको फ्री में कोई नहीं बताएगा और तीसरा वाला मेरा फेवरेट है, बस उसे मिस ना करना। सो फर्स्ट वन इज वेरी बेसिक, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अगर आपको ट्रेंड को अपना फ्रेंड बनाकर ट्रेड करना है तो ये टूल आपको परफेक्ट एंट्री लेवल्स ढूंढ के देगा। बस मार्केट एक ट्रेंड में होना चाहिए, चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड। बस लास्ट इंपल्स मुको आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाना है। अगर अप ट्रेंड है तो बॉटम से लेकर टॉप तक, और अगर डाउन ट्रेंड है तो टॉप से लेकर बॉटम तक। नाउ देयर इज वेरी हायर प्रोबेबिलिटी की प्राइस 0.5-0.618 तक रिट्रेस करेगा एंड देन यहां पर कोई रिवर्सल पैटर्न देखकर आप लॉन्ग के ट्रेड्स ले सकते हो और सेलिंग के लिए भी सिमिलर ही करना है। नाउ द सेकंड वन इज फिबोनाची एक्सटेंशन। इसे हम प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे जब भी किसी इंपॉर्टेंट स्विंग हाई का ब्रेकआउट होता है या फिर इंपॉर्टेंट स्विंग लो का ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पर बहुत सारे बुल्स एंड बियर्स एंटर हो जाते हैं और कभी कभार हम भी यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड्स ले लेते हैं। तो अपसाइड के एंड डाउन साइड के प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स फाइंड करने के लिए फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल हेल्प कर सकता है। अभी कैसे, अगर स्विंग हाई का ब्रेकआउट हो रहा है तो टॉप से लेकर बॉटम तक, और अगर स्विंग लो का ब्रेकआउट हो रहा है तो बॉटम से लेकर टॉप तक फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगा देना है और फिर ये 1.27-1.618 प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स का काम करेंगे और प्राइस भी एक्जैक्टली इसी लेवल से रिट्रेस करता है। नाउ द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फिबोनाची क्लस्टर। आपने वो कहावत सुनी होगी, एक से भले दो और दो से भले तीन। अभी क्लस्टर में भी यही होता है, हमें दो तीन फिबोनाची रीसेंट इंपॉर्टेंट स्विंग को लगा देनी है। जैसे यहाँ पर मार्केट फॉल हो रहा है तो मैं टॉप से लेकर बॉटम तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा दूंगा। देन यहाँ पर प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट हो रहा है तो अपसाइड के प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स फाइंड करने के लिए मैं फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लूंगा और प्रीवियस पुल बैक को टॉप से लेकर बॉटम तक लगा दूंगा। नाउ यू कैन सी हियर, हमारा 1.618 और 0.618 यहाँ पर एक ही लेवल पर कोइंसाइड कर रहे हैं। देयर विल बी हायर पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ पर से फॉल करेगा।